यहाँ मैं बना रही हूँ चाय अभी, थोड़ा फोन को इधर रखती हूँ, चाय बनने वाली है, इसको कर देते हैं ऑफ। और बाहर का कुछ नज़ारा इस तरह का है, हमारे यहाँ पर बारिश का मौसम बन रहा है, बट अब देखते हैं बारिश होती है या नहीं। तो बहुत गाइज अभी मैं जस्ट वीडियो अपलोड करके बैठी हूँ, एडिटिंग वगैरह से फ्री होकर फिर मैंने अपलोड भी कर दिया उसे अभी, तो मेरी आंखों से थोड़ा सा लग रहा होगा। एडिटिंग वगैरह करते हैं ना तो ज्यादा फोकस पड़ता है आंखों पर, इसलिए तो अभी जस्ट वो अपलोड करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा चलो ब्लॉग शूट कर लेते हैं वरना मैं फिर लेजी मोड में चली गई ना, तो फिर अभी नहीं करते करते, तो मैंने कहा अभी अभी मैं इस मूड में हूं तो मैं कर देती हूँ। तो हमारे यहाँ पता है बारिश का क्या हो गया, सही दिख रहा है हमारे यहाँ बारिश का मौसम, जैसे मैंने आपको बताया इस मंथ स्टार्टिंग में सितंबर में और अगस्त में भाई इस बार बहुत बारिश हुई है, बट अब तो बारिश का मौसम आई थिंक गया अब तो, बट फिर भी ऐसा बता रहे हैं कि हो सकती है, अगर होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और करने की यहाँ मैंने काम वगैरह कर लिया था, बर्तन वर्तन सब साफ हैं, और चलो अब इनकी चाय बन जाए उसके बाद फिर हम थोड़ा सा टीवी देखेंगे। टीवी क्या देखेंगे, टीवी का तो क्या ही बोलूं भाई, फुर्सत में बताती हूँ मैं टीवी का आपको। हमारा गाइस देखिए बारिश होने लगी है, मैं अभी बोल ही रही थी, पता नहीं जब जब मैं सोचती हूँ ना बारिश होने वाली उस टाइम हो जाती है, अच्छा मौसम हो रहा है। और ये देखिए हमारे यहाँ कितनी ग्रीनरी, जितना मौसम ये ग्रीनरी का रहता है उतना ही खतरा रहता है कीड़े वगैरह का, बाकी वैसे तो अच्छा मौसम हो रहा है, तेज बारिश आ गई है और भी ज़्यादा। हे गाइस वेलकम बैक टू नाजिम शेख ब्लॉग। संडे है आज और नया डे स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने सोचा ठीक है ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। लूंगी, देखते हैं खाने में क्या बनाती हूँ आज। इनका और मेरा डोसा खाने का मन है, जो हमें पहले से देखते होंगे हमारे वीडियो को सोचते होंगे लोग कितना डोसा खाते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि हम डेली खाते हैं, 2-3 महीने में एक बार हमारा मन करता है ना खाने का, क्योंकि कोई भी चीज बार बार खाने से ना फिर उससे मन भर जाता है। तो आज हम करीबन 1 या 1.5 महीने डोसे की बाद, भी एक अजब स्टोरी है। जब से अपने से बनाना शुरू किया है जब सही से। से बना जब से बनने लगा है ना तो ज्यादा हम बनाते हैं, पहले टूट जाता था, जब से अच्छा सा वो बैटर बनने लग गया है ना, मतलब तवे पे जब अच्छे से फैलने लग हाँ, गया हो। तो जब से तवे पर अच्छे से बनने लग गया है डोसा, तो अब कभी भी बना लेते हैं, तो बस ये है। वो भी कभी भी ऐसा नहीं है कि डेली ही बनाते हैं, मतलब हर 8-10 दिन में ऐसे नहीं बनाते, 1-1.5 महीने में एक बार ही बनाती हूँ भाई, क्योंकि ना फिर मेरा बहुत जल्दी दिल भर जाता है, तो आज भाई ये बना रही हूँ। और जिस दिन बस लगता है कि थोड़ा हल्का और नॉर्मल खाए उस दिन हम डोसा इडली बना लेते हैं। तो बस अब मैं वही बनाती हूँ और फिर आगे आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ हो रहा है डोसे की तैयारी हो चुकी है, देखिए अब डोसा हमने तवा पर डाल दिया है, ये रखा हुआ है बैटर, ये स्टफिंग बन चुकी है, कितने अच्छे से बना है। गाइस यहाँ पर हमने लगा दिया इस पर ऑयल से, हमने इसको ग्रीस कर दिया है, और आपको ये थोड़ा रेड रेड दिख रहा होगा तेल, वो इसलिए कि हमने थोड़ा इसको तेल में मसाला मिक्स कर दिया है हमने, तो नमकीन लगेगा ये और भी अच्छा, इसलिए ये देखिए ये बन चुका है, स्टफिंग भी रख दिए, चलो अब ये बनने वाला है, ये बन चुका है एक। तो गाइज ये हो गया है। नहीं ये हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए डोसे खाने के लिए, चलो चलो भाई खाना खा लिया। किधर हो अब, क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही थोड़ा मोबाइल चला। मोबाइल चला रहे हो? बस मोबाइल, ये मोबाइल उन्होंने इतना वो खराब कर दिया है, फुल टाइम मोबाइल चलाते रहते हो, क्या कर रहे हो मोबाइल में ऐसा? ऐसे ही चला रहा हूँ मोबाइल, कुछ देख रहा हूँ गूगल पे। अच्छा तो कैसा लगा आज का आपको लंच? डोसा डोसा तो एज यूजल जैसे हम ऐसे ही बनाते हैं, अच्छा ही लगा। आज देखो कैसी धूप धूप, निकल गई। बहुत तेज धूप है भाई हमारे। अगर आप उधर ऐसे में बैठोगे, इस साइड बैठोगे तो रोशनी अच्छी आएगी एकदम, आप इधर बैठो मैं जरा इधर से लेती हूँ तो और। अभी वैसे भी टीवी तो चल नहीं रही है। हाँ भाई अब कल वो किचन में टीवी का ही तो बोल रहे थे अपन, क्या बोल रहे थे टीवी का वो, मैं वो बताने वाली थी किचन में, फिर बताया नहीं, एक बता। महीना हो गया जब से वो बारिश का दौर शुरू हुआ था, तब से लेके वो डिस्क का कनेक्शन हिला हुआ है ऊपर। वो अच्छा फोन किया, वही एक महीना हो गया है,
नाटक कर रहा है आने में कि तार के दूर पड़ता है, इतनी दूर पड़ता है, मार नहीं सकते हैं। मैं क्या नहीं आएंगे तो क्या करें, अब तो सही टीवी में भी कनेक्ट करके कब तक देखे, क्या देखे, कुछ समझ नहीं आता। बोर हो जाते हैं। और पता है हमारे यही हाल होता है हमारे यहाँ पर, जब भी बारिश आंधी तूफान आते हैं ना, तो वो ऊपर ऐसे ही वो उसके नेटवर्क पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो वो ना कनेक्शन वाला आ रहा है चेक करने के लिए, मतलब उसको इतनी बार फोन कर दिया है हमने ना उधर कस्टमर केयर पे किया था कस्टमर ना। केयर हाँ, पर तो वो आ नहीं रहा है कि आएंगे आएंगे, पूरा 1 महीना हो गया है। तो हार मान के फिर हम लोगों ने ही क्या किया है, तो हम लोगों ने फिर ये किया है कि इन्होंने ऑनलाइन देखा वो फाइंडर। डीबी मीटर बोलते हैं, एक सैटेलाइट फाइंडर, डीबी मीटर। हाँ, तो वही इन्होंने देखा है, तो फिर हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ आया उसमें कि अगर ये वर्क करता है या नहीं। तो कुछ हमने पहले उसके वीडियोस वगैरह भी देखे, तो फिर हमने हमें लगा कि चलो ठीक है इसको मंगा कर देखते हैं। तो हमने वो ऑर्डर किया हुआ है, उससे क्या सिग्नल फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम पता नहीं वो कब आएगा, 8-10 दिन में आएगा। तो पिछले 1 महीने से हमारी टीवी ऐसे ही बंद है, हम उसी में। अब जैसे खतरों के खिलाड़ी हम देखते हैं कलर्स पर, तो वो क्या होता है कि जियो सिनेमा पे देख रहे हैं ना, जियो सिनेमा पर आता है वो। अब जैसे सैटरडे और संडे को वो आता है, तो सैटरडे को टेलीकास्ट होता है टीवी पर, तो हम उसको संडे को देख पा रहे हैं 1 दिन के बाद। पूरे 24 आवर्स में वो जियो सिनेमा पर आता है, क्योंकि अब कनेक्शन तो नहीं है ना अभी, इसलिए हम उसमें देख लेते हैं। तो 1 दिन बाद, मतलब हम अभी 1 दिन बाद की जिंदगी जी रहे हैं टीवी के हिसाब से। 24 घंटे बाद क्या वो सब्सक्रिप्शन नहीं मांगता है? हाँ 24 घंटे तक अगर देखना है तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और 24 घंटे के बाद अगर देखते हैं तो वो फ्री में देख सकते और हैं। भाई अब उसका सब्सक्रिप्शन लेके कुछ हाँ मतलब नहीं है, क्योंकि 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 सब्सक्रिप्शन लेंगे, चलो खतरों के खिलाड़ी देखना उसका अलग से लो, फिर बिग बॉस का अलग से लो, तो हर सीरियल का कोई अलग से तो ले नहीं सकते ना वही तो सब्सक्रिप्शन। ना मेन बात, यही तो पकड़ना इसको। और गाइस मेन बात यही है कि अब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है भाई, तो मैंने कहा बिग बॉस स्टार्ट हो उससे पहले, वो तो जब आएगा जब आएगा, हम खुद ही वो हमने मंगा लिया है सिग्नल फाइंडर। तो बस हम देखते हैं कि वो काम हमारा कर जाए तो ठीक है, वरना फिर से कॉल करेंगे उसको, तो 2-4 दिन में हमारा वो आ जाएगा, रिमोट बोलते हैं उसे, रिमोट मीटर बोलते हैं। मीटर, सॉरी मीटर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम यूज करेंगे हम भी, तो देखते हैं उसके साथ क्या वो कैसा वर्क करता है, उसे सिग्नल मिलते भी हैं नहीं। बस मैं कुछ लोगों ने अच्छे रिव्यू भी दिए हैं, और 1-2 रिव्यू थोड़े ऐसे थे कि भैया ये काम नहीं कर रहा है सही से, पर अब रिस्क तो लेना पड़ता है भैया, ऐसे कब तक टीवी बंद रहेगी। और बिग बॉस तो मेरा छूटता नहीं है, आपको पता है बिग और बॉस में अगर हमेशा काम रहते कर हैं। गया तो हमेशा के लिए अपने लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हाँ अपने हाँ यहाँ पे हर बार आंधी तूफान में वो सैटेलाइट हमेशा का ही सिग्नल चला जाता है। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। गाइस अभी याद आया मुझे एक बात, और मुझे याद आई वाला वीडियो जो हमारा रिसेंटली वीडियो गया है ना, उसके ऊपर एक कमेंट आया, क्या वो आया पढ़ के दिखाना, आप लोग भी सुनना। मैंने कहा यही वाला पढ़ के सुनाओ, कहाँ न्यूज़ गया? नहीं, न्यूज़ हाँ ये अभिषेक भैया बहुत सीधे हैं अभी अभी। अभिषेक भैया बहुत सीधे और मासूम हैं, आप भैया को परेशान मत किया करो भाभी। मैंने कब परेशान करा भाई, मैंने कब परेशान करा आपके नहीं भाई नहीं को? मैं सच बोलता हूँ, मुझे बहुत परेशान करती है ये, मैं वीडियो पे ज्यादा बोल नहीं सकता पर मेरे दिल का हाल मैं ही जानता हूँ। कुछ भी बोल रहे तो हो तुम आप, क्या कहना चाहती हो? मैं सीधा नहीं हूं, मतलब सीधा सीधे हैं, मैं हमेशा ही बताती हूँ, मतलब ये वैसे उल्टे सीधे कामों में नहीं है, जैसे बाहर फालतू का घूमना या ऐसे मतलब जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये सारे काम इन सब में नहीं है, वैसे बहुत अच्छे हैं सीधे। ये कि मैं इनके ऊपर कोई अत्याचार वगैरह करती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो इस बात का समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, क्या बोलना चाहिए। गाइस, मुझे लगता है कि ये दुनिया की ऐसी पहली वाइफ है जो हस्बैंड को सीधा बोलने पे हस्बैंड को क्रिटिसाइज कर रही है कि मैं सीधी हूं, मेरे हस्बैंड सीधे नहीं ऐसा नहीं है, सच में ऐसा नहीं है, ये इनके अंदर ये वाली जो बात आई कहाँ से आई आपके दिल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बात ये है कि लोग जब ऐसा बोलते हैं ना कि आपके हस्बैंड बहुत सीधे हैं और आप उनको परेशान मत करो, हम मुझे बहुत ताज्जुब होता है इस बात का कि ये किस एंगल से इतने सीधे हैं जो ये अत्याचार सही है, या मैं इनको परेशान करूंगी तो ये बेचारे बन के बैठे रहेंगे। भाई बेचारे बनकर बैठने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं है,
ये जब बोलते हैं तो मैं कुछ नहीं बोल पाती, बस ये समझो आप, ये इनका जरा जरा सी बात पे इतना गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, तो फिर बात नहीं करते। इनका ईगो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ईगो। तुम्हें जलन इस बात की है कि लोग मुझे सीधा बोलते हैं, तुम्हें सीधा नहीं बोलते। मुझे सीधा सुनने की आदत भी नहीं है। सीधे सीधे लोगों का आज के टाइम पे कुछ वो नहीं है क्या? जमाना नहीं सीधे है। लोगों का जमाना आज के टाइम पे है भी नहीं है। आज के टाइम पे अगर सरवाइव करना है तो इंसान को क्या बोलते हैं, डिफेंड करना भी आना चाहिए और अपने लिए फाइट करना भी आना चाहिए, अपने राइट के लिए। देखो गाइस, कौन बोल रहा है कि डिफेंड करना चाहिए, फाइट करना आना चाहिए, जबकि दुनियादारी की तो नॉलेज कुछ है ही नहीं। अभी पूछ ले आटे दाल का भाव क्या है, वो भी नहीं पता होगा। ये वाली बात सही है कि मुझे आटे दाल का भाव आज भी नहीं पता है, ना शादी के पहले पता था ना शादी के बाद पता है भैया। शादी के पहले देखो सब घर में आ जाता था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। शादी के बाद भी ये सब लेकर आ जाते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। हमें भी जाते हैं तो ये हम साथ में भी जाते हैं ना, तो सामान यही लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है अभी भाव पता है नहीं, मैं कुछ तो भी पता उठा है, हाँ लेगी। मैं पता है क्या करता हूँ। हम जैसे जाते हैं ना लेने के लिए, जैसे कहीं पर भी कुछ भी लेने जाएंगे तो मैं सामान देख लूंगी, तो मैं बोलती हूँ ये ले लेते हैं ये वाला। अब ये ऐसे देखते हैं कि कौन सा क्या भाव चल रहा है, तो यहाँ पे क्या ठीक है क्या नहीं। अब कंपेयर इसकी करता हूं। इनको नॉलेज है ना, मुझे तो जो सामने आए कि चलो ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, मुझे नहीं पता कि आज के टाइम पे कौन सा क्या भाव चल रहा है। तो भाई इसलिए ये बोल रहे हैं कि आटे दाल का भाव नहीं पता है। तो हाँ भाई ऐसे ये बहुत तेज है, मतलब दिमाग से ये एक्टिव बहुत है, दिमाग से क्या बोलते हैं तेज बहुत है। दुनियादारी की इन्हें अच्छे कोई से नॉलेज है। इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। ये सब ठीक है, बेवकूफ तो कोई मुझे भी नहीं बना सकता है। मैं हाँ ठीक है नहीं, मुझे सीधी कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तो तुमने तो बनाया मुझे बेवकूफ। देखो तो भाई वो तो मुझे, वो आपने भी मुझे वो बनाया। हम दोनों को आज तक पता नहीं चला किसने किसको बनाया। अपन दोनों ही बेवकूफ बन गए दोनों ही अभी। बने हैं आपस में। चलो तो हम ऐसे ही हंसी मजाक की बातें करते रहते हैं। तो हमें वो कमेंट बहुत फनी लगा, सुबह ही कमेंट आया था जब मैं किचन में थी, मेरे हाथ में फोन था उस टाइम पर, तो जैसे ही फ्लैश हुआ ये क्या कमेंट, तो मैं मुझे और इनको बहुत हंसी आई। तो ये मुझसे बोलते हैं मैं देखो कितना सीधा हूँ, सारी दुनिया मुझे बहुत सीधा बोलती है। तो मैंने कहा चलो इस पर बात करती हूँ मैं, तो आई होप तुम्हें नाज होना चाहिए, तुम्हारा हस्बैंड को लोग सीधा बोलते हैं। सीधा हूं मैं तभी बोलते नहीं हैं। सीधे तो ये वाली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि सीधे नहीं है, सच में अच्छे हैं, डिसेंट हैं। ये अपनी डिसेंसी भी मेंटेन करके रखते हैं, ये फालतू बोलते नहीं है, ये अपने काम से काम रखते हैं, फालतू फालतू कहीं इधर उधर जाना, फिरना, घूमना, ये मुझे फालतू का कुछ भी पसंद कुछ भी नहीं है। पसंद नहीं है ना। इनके ऐसे कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भाई के ऐसे मतलब फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे हो तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए, कि आपका भी ऐसा मतलब होता है ना कि अपनी कंपनी खराब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके सब अच्छे फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि इतने भी वो नहीं है कि बुरा तो नहीं लगा, मैंने आपकी सच्चाई बता दी। कोई नहीं, वो सच्चाई पब्लिक डिसाइड करेगी किसने किस पे सही बताया। बात है। अब इसमें भी लोग मुझे हाँ आके बोलेंगे अरे तुम्हारे हस्बैंड देखो कितने अच्छे हैं, तुम इतना बोल रही हो उनके आगे, अच्छे हैं तभी तो इतना बोल रही हो। हाँ तभी देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान से चलो भी। तो गाइस हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द, बाय।